लाइट मत चलो जीतू तो देते यहाँ पे सभी लोग जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में आप क्या करने वाले हैं, क्या वाले, क्योंकि आपको काफी सारी फिल्म में हम सभी लोग देख चुके हैं और हर फिल्म में आपने अपने ही अंदाज में कुछ अलग पेश किया है। इस बार आप क्या करने वाले इस फिल्म में? पहले तो मैं सभी को हाई करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी 30 मिनट्स नाम सुन के ही आपको लगेगा कि इट इज अ थ्रिलर एंड 30 मिनट्स मीन्स समथिंग विच इज टाइम बाउंड एंड ये इसके पीछे एक वजह है व्हाई इट सेज 30 मिनट्स एंड जहाँ तक मेरा किरदार है आई थिंक इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल। आप कुछ अलग जरूर देखेंगे इस बार क्योंकि कई फिल्मों में मेरे जो कैरेक्टर्स रहे हैं वेल एच्ड रहे हैं और सिंपल होते हैं पर इसमें आपको लगेगा फॉर क्वाइट सम टाइम जब तक आप देखेंगे तब तक आपको रियलाइज नहीं होगा कि एक्जैक्टली व्हाट इज माय रोल इन दिस एंड इट हैज अ बिट ऑफ शेड्स ऑफ यू नो नॉट ग्रे बट एटलीस्ट पीपल विल बी ग्रिप्ड टू देयर सीट्स वाचिंग मी इन द फिल्म फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पर आज हमारे फिल्म आर्टिस्ट आए हुए हैं पहले मैं सभी को बुला लेना चाहूँगा। खूबसूरती से बनाकर पेश करने वाले होते हैं रियल हीरो यानी कि हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर यशुदास बी जी को मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। He is the man behind the screen, जो कि हमारे सामने बहुत ही मेहनत करके बहुत सारी जद्दोजहद करके और एक पूरी बड़ी सी टीम एक साथ बांधकर हमारे सामने पेश करते हैं बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत से फिल्म। तो मैं चाहूंगा कि दो लफ्ज उनके साथ भी हो जाए। भाई सर प्लीज के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक और हीरो हैं जो कि फिल्म बन जाने के बाद में उस फिल्म को किस तरह से पेश करना है पूरे भारत में पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे बीच में है वेरी हैंडसम खान। तो मैं चाहूंगा शकील हाशमी जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाओ, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी लोगों की। अगर सबके हाथ में रहेंगे तो ही हमारे सभी काम बहुत आसान। हेलो हेलो और मैं चाहूंगा हमारे जो फिल्म की बाकी और टीम है मैं उन्हें भी बुला लूं। एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर ब्रज श्रीवास्तव प्लीज एक बार स्टेज पर आए। मैं चाहूंगा कि प्यारी सी तालियां हो जाए। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमरजीत एस कोहली मैं चाहूंगा आपकी तालियों के बीच उनका स्वागत हो। हमारे को प्रोड्यूसर मिस्टर पंकज अग्रवाल, मनु सिंह, महेश सागर, कपिल बंसल, हरदीप सिंह एंड ईशांत सिंह। अब हमारी पूरी टीम के लिए आप सभी लोगों की जो दुआएं हैं जो आशीर्वाद है जो प्यार है वो बना रहे, वो बना रहेगा आपकी तालियों के साथ। मैं चाहूंगा प्यार सी तालियां भी बचती रहे ताकि सभी लोगों की हौसला अफजाई होती रहे और इसी तरह से हम लोग पूरी टीम के साथ आपके सामने बहुत ही अच्छे प्यार हमारे प्रोजेक्ट आपके सामने पेश करते हैं। सर तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ फूल इतना महत्व नहीं देते या होते तो हम इतने बहुत ज्यादा उसके लिए एक बहुत पता नहीं क्या चीज हो गई मेजोरिटी होना नहीं चाहिए कुछ मतलब एक डर सा है। तो बाहर जो लोग मैंने देखा तो उनकी एक लाइफ स्टाइल है तो हर चीज सिस्टम से चलते हैं टाइम की चीजें, तो हम लोग को नहीं ऐसा होता। हम लोग नॉर्मली कोई बहुत बात करते हैं। सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और दर्शकों से आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं है और उन्होंने कहा है कि ये जरूर सक्सेसफुल होगी अमेरिका से वॉइस। और उसके साथ मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को हमारे लीड एक्टर हितेन पैटेल जी और उनके पिताजी, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, जिनके लिए तारीफ करना बहुत ही कम होगा क्योंकि उनकी तारीफों के लिए शब्द ही बहुत कम पड़ जाएंगे। और अक्षय कुमार जी भी आने वाले हैं 5:30। आई होप कि हम 30 मिनट्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो टाइम पर ही आ जाए। तो ओके चलिए, तो अभी हम बात करते हैं हमारे सर प्लीज। हेलो, हमारे सारे प्रोड्यूसर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्पेशली यशोदास जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस तरह का रोल दिया, वरना ये इस पिक्चर में भी मुझे कॉमेडी दे रहे थे। मैंने इनको बोला कि पैसे कम कर दो और रोल ये दे दो, इन्होंने भरोसा किया। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ट्रस्ट किया और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह का क्योंकि काम तो काफी साल से कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं और कॉमेडी के लिए कोई सोचता भी नहीं और रोल दे देता है। लेकिन वो ऐसे मेरे तमाम साथी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद्रकांत जी भी यहाँ पे हैं, इनकी भी एक फिल्म में मैंने लीड किया है, बड़ा सीरियस फिल्म का रोल। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझ पर लोग भरोसा कर रहे हैं और मेरे लिए अच्छी बात है कि एज एन एक्टर मैं वैरायटी ऑफ रोल्स कर पा रहा हूँ। थैंक यू। और यानी कि हम सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करने में और इस फिल्म को एक अलग ही तरह की जान देने में इनका पूरा पूरा हाथ है। तो मैं चाहूंगा सभी की तालियों के बीच एक बार वसीम जी का स्वागत करें। हेलो हेलो ऑलराइट, तो हमारे हैंडसम हंक, द ग्रेट हीरो, द वेरी हैंडसम पर्सन हितेन पेंटल हमारे बीच में है और उनका स्वागत तो जाहिर सी बात है हो ही चुका है पहले से। Thank you. Well, हमारे बीच में पेंटल साहब भी आ चुके हैं जिनके हम सभी लोग फैन हैं। इवन मैं तो बचपन से क्या, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने बचपन से उन्हें देखते हुए आ रहे हैं, उनके कलाकारी के सभी लोग मुरीद हैं और आज उनके बीच में, आज हमारे बीच में वो आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा सभी लोग कि जब ये पिता और पुत्र की जोड़ी एक साथ किसी स्क्रीन पर आने वाली है, क्या बात है भाई, ऐसे बाप बेटे एक साथ मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या कर जाए। हेलो, योगेश भाई प्लीज आइए ना। अनुजा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज, कम। ये हमारी अनुजा जी हैं, सिंगर हैं और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग इन्होंने ही गाया है, कुत्ते फेल। और मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर भी एक बार बीच में आ जाएं। आइए आइए सर प्लीज। वेल मैं चाहूंगा ऋषिता भट्ट जी भी एक बार बाहर आ जाएं। मैं चाहूंगा ऋषिता भट्ट जी एक बार बाहर आ जाएं स्क्रीन से। वेल जिस तरह से और वो दिखा ही चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में वो आने वाले हैं कुछ नया लेकर अपने पिताजी के साथ में, तो ऑफ कोर्स बहुत ही कुछ खास लेकर आने वाले होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा हितेन जी से प्लीज। इस फिल्म में एक्चुअली मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है, कॉमेडी छोड़कर ये बहुत सीरियस रोल है। ये फिल्म थ्रिलर है इसमें भूत प्रेत नहीं है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है इसमें भूत भूत होगा, बट इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है एंड बहुत डार्क है, ऐसा कैरेक्टर है जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। और फिल्म में डार्क कैरेक्टर इनकी वजह से, क्योंकि पूरी फिल्म में इन्होंने मेरी माँ बहनी की है तो तो बट बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से करवाया गया, ही इज द कल्प्रिट। बट बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, बहुत डेंजरस भी है, बट वेरी गुड कैरेक्टर ऑल्सो। लाइक लोगों को ये कैरेक्टर पसंद भी आएगा बहुत और हेट भी करेंगे उतना ही। हेलो, हाँ सर, हम आपको काफी फिल्मों में देख चुके हैं, बहुत ही अलग अलग किरदारों में, हमेशा आप हंसाते आए हैं, लेकिन इस बार आप भी शायद कुछ नया ही करने वाले। इवन इस फिल्म की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि जितने भी स्टार कास्ट हैं वो अपनी लीग से हटकर इस फिल्म में कुछ कुछ अलग करने वाले हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सर से, सर आप इसमें किस तरह का अलग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? मेरा कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का है जिसने जिंदगी में पंक्चुअलिटी की वजह से बहुत मार खाई है और बहुत कड़वा लेसन लिया है। उसकी वजह से वो अपना जितना रोष है, उसका गुस्सा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो अपने छोटे बेटे पे निकालता है। और इसमें एक इनडायरेक्ट मैसेज ये भी है कि आप अपनी चीज़ों को अपने बच्चों पर मत थोपो, उन्हें मत अपने जैसा बनाने की कोशिश करो, उन्हें वो बनने दो जो वो चाहते हैं। लेकिन जब इंसान उन्हें वो फ्रीडम नहीं देता तो किस तरह एक नाजुक उम्र में एक बच्चे का जो मेंटल बैलेंस है वो ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से एक अच्छा लड़का, एक अच्छा इंसान जिसका भविष्य अच्छा है, वो क्या बन जाता है। ये एक पिक्चर में अनसीन मैसेज है। बाकी कैरेक्टर बड़ा अलग है और कोशिश की है अपनी तरफ से और उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों को वो पसंद आएगा, अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मेरे से ज़्यादा मैं ये दुआ करता हूँ कि हितेन, रिशिता, इन सबको बहुत बहुत अच्छी एप्रिसिएशन मिले, पिक्चर हिट हो और हमारे यशु जी और पिक्चरें बनाएं ऐसी ही बढ़िया अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिंगर हैं जो बेहद ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं सिन्हा जी, तो मैं चाहूंगा एक बार वो भी अपनी कुछ आवाज की जो जादूगरी है वो यहाँ पर बिखेर। इस फिल्म में मैंने मेरे दो गाने हैं, दो सॉन्ग्स, एक डुएट है और एक आइटम सॉन्ग है जो काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसमें एक कैची वर्ड है जो आज मेरे ख्याल से हर मूवी में एक आइटम सॉन्ग होता है और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिट बनाने के लिए होते हैं। तो ये गाना भी ऐसे ही है, यारा तेरे कुत्ते फेल। तो ये रोमांटिक गीत सुना रही हूँ, सॉन्ग। जादू सजाया दिल तुझ पे आया, जादू सजाया दिल तुझ पे आया, हुआ खुद से पराया, दिल खो गया, दिल खो गया, लगता है मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, हाय दिल ये मेरा कहीं खो गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेल, अब जब ऑलराइट आदिल शेख, वेल, इनके बारे में तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है क्योंकि सभी लोग इन्हें जानते हैं। और आजकल का जो हमारा मोमेंट है, वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हितेन और हम बहुत, मतलब कह सकते हैं कि हम बचपन के दोस्त हैं और हम शुरू से इसके पीछे पड़े हुए थे कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड है और इतना ज़्यादा इतने गुण हैं इसके अंदर। तो हम बोलते थे कि यू नो यू शुड जस्ट गो आफ्टर डूइंग अ फिल्म एंड हम इसलिए खुश हैं क्योंकि जो सपने हमने साथ में देखे थे वो आज पूरे होने वाले हैं। और इस सब में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो अंकल की, जो आके यहाँ पे ही इज मेड श्योर की इज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड हितेन के साथ वो आज यहाँ पे खड़े हैं। सो इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस एंड कंग्रेचुलेशंस टू द होल टीम एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट एंड वी होप कि 30 minutes इज अ बिग बिग फिल्म फॉर एवरीबडी। Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Likewise, I would like to give my best wishes to the entire cast and crew. And I can just tell you one thing about Hiten Patel, जो यहाँ बहुत लोग ज़्यादा नहीं जानते इसको closely और personally, इसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, अभी भी देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा नज़दीक से। कि ये हमारा भाई इतना टैलेंटेड है कि आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम भाई यू नॉट मेंट फॉर हियर, यू मेंट फॉर हॉलीवुड. लुक्स भी नहीं, शर्मा मत, लुक्स भी है और टैलेंट भी है. ये शुरू से इंग्लिश मूवीज और जो मैं म्यूजिक सुनता आ रहा हूँ, जो बनाता आ रहा हूँ, ये मुझे कॉलेज के डेज से ही मुझे हिप हॉप म्यूजिक और इंटरनेशनल म्यूजिक ये सुनाता था मुझे, और अपने हार्ड ड्राइव पे बर्न करके देता था. तो दिस गाय इज इमेंसली टैलेंटेड, वेरी इंटरनेशनल, और मैटर ऑफ टाइम कि भाई चारों तरफ बॉलीवुड में छाए रहेगा. एंड आई एम श्योर इन दिस मूवी ऑल्सो इज डन अ फैब जॉब. माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. वेल, के बारे में जितनी भी तारीफें की जाए बहुत ही कम रहेगी. फाइनली जिनका इंतजार हो, जैसे कि मैंने बताया था, हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहते हैं हमारे अक्षय कुमार जी, और हमारे बीच में आ ही चुके हैं. तो मैं चाहूंगा सभी लोगों की निगाहें करम हो जाए. हेलो सर, हाउ यू? राइट सर, प्लीज सर, प्लीज. क्या बात है भैया, इसे कहते हैं हमारे सर का जो टैलेंट है. वेल, मैं चाहूंगा जो द वेरी ग्रेट अक्षय कुमार ऑन द स्टेज. माइक दीजिए, माइक दीजिए, जो अटके नहीं. ऑलराइट अक्षय सर, ऑलराइट. तो मैं पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा, जिनमें हमारे एसोसिएट डायरेक्टर सर, प्लीज आइए. ऑलराइट राइट, तो फाइनली लॉन्च बॉक्स हमारे बीच में आने वाला है, जिसके आप सभी लोगों को इंतजार था. वेल, ऋषिता भट्ट जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं. हमारी टीम जो आर्टिस्ट है प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं. वेरी ब्यूटीफुल ऋषिता भट्ट, वेयर आर यू, ऑल आर वेटिंग फॉर यू. ऋषिता भट्ट जी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं. चाइना मोबाइल पर चाहूंगा. 30 जो आपने 30 मिनट्स का छोटा सा एक ट्रेलर देखा है, उससे आपको क्या लगता है ये फिल्म कितनी धमाकेदार होने वाली है? और हितेन सर और पूरी टीम ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, क्या लगता है आपको क्या फिल्म में क्या मिलने वाला है पूरे देश को? वेल, इस फिल्म के अंदर सबसे पहले तो एक बात मिलने वाली है कि कभी लेट मत होना, भले आधा घंटा भी लेट मत हो, वरना पिताजी मारेंगे. ओके, दूसरी बात यह है कि इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी फास्ट पेस थ्रिलर, एंड इन दैट स्मॉल मे बी अबाउट, इट वाज अबाउट 2.5 minutes, 2 minutes you can come to know the whole story, how it is going to be, what happens exactly. We can only see the film and come to know, but I can bet that it's the screenplay is the hero of this film, because how this is woven, that only time will say. And so I wish the movie and the people involved with the movie best of luck. Thank you. Thank you so much. और इसके लिए लॉन्चिंग पार्टी के लिए जो सर आए हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ी खास बात ये है कि सर को इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि सर खुद अपने आप में टाइम के इतने पंक्चुअल हैं जो कि कभी एक मिनट भी लेट नहीं होते हैं. सर थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. लेकिन एक छोटा सा काम है, केक सेरेमनी भी है आपके हाथों से होने वाली. केक सेरेमनी केक कटेगा, सब में बटेगा, लेकिन किसी में बढ़ेगा वो भैया बाद में देखते हैं. लेकिन अभी मैं बुलाना चाहूंगा जो हमारे डिपार्टमेंट है, प्लीज एक बार लेकर आ जाए 30 मिनट्स. भैया आज 30 मिनट्स का बर्थडे है जिनको काटने वाले हैं अक्षय सर. Well, sir, thank you so much. अरे बैठ जाओ, बीच वाले बैठ जाओ.